हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज आए हैं हम बाजी के घर पर, क्योंकि यहाँ पर मेला लगा हुआ है, तो हम जाएंगे मेले में। रेहान तैयार हो गए? चलो, अब शाम के 6:30 बज गए हैं और हम सब चल दिए हैं मेला देखने के लिए। तो यहाँ पर आ गए हैं हम मेले में। तो यहाँ पर ये सबसे पहले कॉर्नर पे लगी होती है ये वाली शॉप कांच के बर्तन की, तो मैं और बाजी सबसे पहले हम इसी पे आ जाते हैं, क्योंकि हम तो इसी के लिए आते हैं मेला देखने। जब भी ये मेला लगता है ना, तो हम तो यही देखने आते हैं कैसे बर्तन आए होंगे कांच वाले। बहुत सुंदर सुंदर बर्तन आते हैं। तो चलिए यहाँ से हम बर्तन देख लेते हैं। वैसे तो मेरी किचन फुल हो रखी है, बिल्कुल बर्तन लगाने की जगह नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ से बर्तन कुछ ना कुछ तो ज़रूर लेके जाना है। तो चलिए खरीद लेते हैं यहाँ से कुछ सामान। तो यहाँ पर मैं पसंद कर रही हूँ मुझे क्या क्या चाहिए किचन के लिए, तो मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प करा रहे हैं साथ में। तो यहाँ पर अभी हम बर्तन ही खरीद रहे हैं और बच्चे हो चुके हैं बोर, तो बच्चे बोल रहे हैं मम्मा यहीं पर ही खड़े रहोगे क्या आप? तो मैंने बोला आसपास घूम लो आप। तो चलिए मैं तो खरीद लेती हूँ बर्तन, और बच्चे झूले झूलने के लिए बेचैन हो रखे हैं, तो मैंने कहा पहले यहाँ से सामान खरीद लेते हैं, फिर इनको यहीं रख जाएंगे सामान खरीद के दुकान पर ही, उसके बाद हम चलेंगे आगे मेले में। तो यहाँ पर अभी हम कप ले रहे हैं, तो हेल्प करा रहे हैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि कोई कोई चटके भी हो जाते हैं, ये सब ऐसे रखते हैं ना, तो यहाँ पे पीस चटक भी जाते हैं, तो हमें देखना पड़ रहा है कि कोई चटका ना हो। और यहाँ पर सबसे अच्छा जो सेट लग रहा ना वो ये, बट ये बहुत छोटा साइज है, ये बहुत मतलब बच्चों के खिलौने हैं ये, तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इसका मुझे क्या करना, पर मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। चलिए और ख़रीद लेते हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ आगे, मुझे ये भी अच्छे लग रहे हैं। तो ये है वो, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, मतलब यूनिक सा लग रहा है कुछ, तो ये भी ले लेते हैं। तो यहाँ से मैंने ये तीन कितने लेने हैं मुझे, तो यहाँ मैंने ये 4-5 सेट ले लिए हैं, इसके सेट नहीं सॉरी 4-5 पीस ले लिए ये वाले, ये लीजिए। तो अलीशा ये देख रही हैं, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं आया, मैंने वो ब्लैक वाली ली है। तो यहाँ से हमने इस वाले के 5 पीस ले लिए मैंने। तो चलिए और ख़रीद लेते हैं आगे कुछ। तो बर्तन खरीदने के बाद अब आ गए हैं हम चूड़ियों की शॉप पे। तो यहाँ पर बहुत ही कलरफुल चूड़ियाँ आपको दिख रही होंगी, बहुत सुंदर सुंदर हैं, लेकिन ये बहुत कच्चा कांच है, ये मतलब चलती नहीं है, ये चूड़ियाँ एकदम जल्दी से टूट जाती हैं, ये वाली बहुत कच्ची होती हैं, इसलिए ये मुझे नहीं लेनी। और यहाँ पर सानू लगा रहा है निशाना, साइड हो जा, एक भी नहीं फूटता भाई, चल भी रहा है नहीं, मुझे ना लग रहा लग क्यों नहीं रहा, चलो पीछे हो जा। अरे तो की मैं क्या अंडे जल्दी कैंडल जाता बहुत बड़ी, मैं कितनी बजा दी हमने। और अब आ गए हैं हम झूलों के पास में। तो बच्चे तो झूलने के लिए ही परेशान हो रहे थे बहुत देर से कि चलो झूले के पास, तो ये थोड़ी दूर था मेले से हट के। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं, और अब बच्चे झूलने की कह रहे हैं, तो मैं बोल रही हूँ ड्रैगन में झूलने से सब एक साथ बैठ जाएंगे, और ये तो बड़ा वाला है, तो झूले को से देख के चक्कर आ रहे हैं, इसलिए बैठा। अब ये सब बच्चे जा रहे हैं ड्रैगन में बैठने, इसलिए झूलेंगे सभी। Oh
और अब यहाँ पर अंधेरा ज्यादा हो गया है तो अब हम घर जाने की कह रहे हैं, तो बच्चे बोले एक बार ट्रैम्पलिंग में और झुला दो, तो ये तीनों इसमें खेल रहे हैं ट्रैम्पलिंग में जंप कर करके, लेकिन सानू पे जंप नहीं हो रहा, वो ऐसे ही कूदे जा रहा है बस, उसे तो कूद नहीं आ रहा इसमें, बाकी ऐसे जो समीर और रिहान कर रहे हैं इस तरह से सानू नहीं कर पा रहा, तो ऐसे ही कूदे जा रहा है बस। कहाँ चक्कर खा के गिर रहे हो तुम, थक गए, ये वेट कम, काफी वेट कम कर रहे हैं अपना। और अब चल रहे हैं घर की तरफ, तो यहाँ से हम ले लेते हैं हलवा पराठा, मेले में ये हमेशा हर साल जब भी बिकता है तो मैं यहाँ से लेके जरूर जाती हूँ, तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं। और ये कुछ इस तरह से बनता है, इतनी बड़ी कढ़ाई है ये, इसमें इतना बड़ा पराठा बनता है और बहुत ही मेहनत से बनता होगा, ये देखो कितनी गर्मी में और ये मतलब किस तरह से भट्टी पर बना रहे हैं इतनी देर से, तो बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में। तो चलिए यहाँ से ख़रीद लेते हैं हलवा पराठा और चलते हैं फिर घर की तरफ। चाची उनके पास ईयर रिंग्स अच्छे हैं, वो सामने आशी इधर आजा। तो बच्चे बोल रहे हैं अलीशा और मुस्कान और आशी के ईयर रिंग्स लेने हैं, तो यहाँ से अब ये ले लेते हैं। ये अपने लिए पसंद कर रही हैं तीनों, तो यहाँ से लेके चलते हैं घर। और अब रात को यहाँ मेले में क्या हुआ कि लाइट ही चली गई, तो वैसे तो हम जा ही देते घर, वो तो ठीक है सारा मेला घूम लिया उसके बाद लाइट गई, और अब हम घर की तरफ चल दिए हैं। तो यहाँ मेला देख के सब घर पे आ गए और आके एसी के रूम में बैठ गए क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी थी, आके ऐसे लुढ़क गए सारे मेले में से। बाजी तो रो गई थी। और यहाँ पर हलवा पराठा सानू ने निकाल लिया है खाने के लिए। मुस्कान बाजी तो रो गई थी, झूले पे डर लग रहा था और हम छड़ छड़ के। तो चलिए व्लॉग का एंड करने से पहले मैं आपको वो बर्तन दिखा देती हूँ मैं जो लाई हूँ मेले में से, वो कौन कौन से हैं। तो मैं इस तरह के कप हैं और ये हंडी है कांच की, ये सभी इस तरह के कांच के बर्तन लाई हूँ, तो मुझे अभी किचन में लगाने हैं। तो चलिए व्लॉग का एंड करते हैं, होप करते हैं आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाय।